हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशाह ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फराह खान के बारे में, और इस वीडियो में खास बात करेंगे उनसे जुड़े एक न्यूज़ के बारे में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान की माँ मेनका ईरानी का आज निधन हो गया है, और ये 69 साल की थी और वो कई दिन से बीमार चल रही थी और उनका नानावटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। वे डिस्चार्ज होकर घर भी आई थी, लेकिन फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। दोबारा भर्ती कराने के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका और उन्होंने हॉस्पिटल में ही अपनी अंतिम सांस ली। और मेनका ईरानी ने कामरान खान से शादी की थी और कामरान खान डायरेक्टर हुआ करते थे। एक वक्त पर उनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई थी और उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। जो परिवार पहले संपन्न हुआ करता था वो सड़क पर आ गया था, और इस परिस्थिति में मेनका के दो बच्चे फराह और साजिद को बड़ी मुश्किलों से पाला गया। और फराह और साजिद कई मौक़ों पर यह बात कर चुके हैं। और मेनका ईरानी पुराने ज़माने की एक्ट्रेस डेज़ी ईरानी और स्क्रीन राइटर हनी ईरानी की बहन भी थी, और हनी ईरानी जावेद अख्तर की पहली पत्नी थी। और फरहान अख्तर और जोया अख्तर दोनों ही उनकी संतानें हैं। और फराह खान ने 12 जुलाई को अपनी माँ मेनका ईरानी का जन्मदिन मनाया था, और उन्होंने माँ के लिए एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया था। और फराह के लिए उनकी माँ सबसे बहादुर इंसान थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर माँ के साथ दो फोटोज़ भी शेयर किए थे, और उन्होंने पोस्ट में बताया था कि उनकी माँ कई बार सर्जरी करा चुकी हैं। और फराह के भाई और डायरेक्टर साजिद खान ने भी माँ के बर्थडे पर फोटो पोस्ट की थी। और फराह खान इंडस्ट्री का पॉपुलर नाम है, और उन्होंने मैं हूँ ना, ओम शांति ओम, 30 मार खान और हैप्पी न्यू ईयर जैसी बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। उन्होंने 3 फिल्मों में सिर्फ शाहरुख खान के साथ ही की है, और फराह खान ने करियर की शुरुआत डांस कोरियोग्राफर के तौर पर की थी, लेकिन आगे जाकर फिल्म मेकिंग में उतर गई। तो आशा से इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा, और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।